इस समय नेशनल न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के सुकाबाद में आई हुई है, जहां श्रीमान प्रोफेसर राजपाल यादव की देहावसान मृत्यु हो गई है, जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को शिक्षा दी थी एक ही डिग्री कॉलेज में। इस समय मेरे साथ उनका शोकाकुल परिवार, उनकी पुत्र वधू, उनके पोत आदि लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक चौधरी है। हाँ, मैं आप होता हूँ और बहुत दुख है मुझे इस बात का कि हमारे बाबा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, और मुझे बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि मैं उनका पोता रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी, मैनर्स दिए, और ये चीज़ हमेशा शुक्रवाद के लोग हमेशा याद रखेंगे। अब इनके छोटे बेटे प्रियांश मेरे सामने हैं। बेटे, आप बताइए, अपने बाबा से क्या आपने शिक्षा ली? मैंने हमेशा बाबा जी से उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी सीखी, उनसे अच्छी शिक्षा ली, लोगों का कैसा सम्मान किया जाता है, किस तरह से स्वागत किया जाता है, कब कहाँ हमें रहना चाहिए, कब कहाँ हमें कैसे रहना चाहिए, हर तरह से। मुझे यही सब अच्छा लगता है कि आज इतना गर्व है, इतने सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और हमेशा ही उन्हें याद करते हैं। हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे, वो हमारे हमेशा दिल में रहेंगे। इसी के साथ अब इस समय मेरे साथ हैं उनकी पुत्र वधू शशि परवा जी, जो कि जिन्होंने अपने ससुर साहब की अपने पिता के समान सेवा की और उनके आदर्शों में चलने का प्रयत्न किया। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? यही संदेश देना चाहती हूँ जो मेरे पापा जी थे, उन्होंने इस सब के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। उनके स्टूडेंटों को पढ़ाया लिखाया, इतने आगे बढ़े उनके स्टूडेंट, वो हमारे लिए बहुत महान हस्ती थे। उनके आदर्श में लोगों को चलना चाहिए। ऐसे गुरु बहुत समाज में कम मिलते हैं। ऐसे फादर इन लोगों को पाके मैं धन हो गई। मैं उनकी पुत्र वधू बनके मैंने जिस तरह उनकी सेवा की, वो मुझे कभी एक बहुत अच्छा फील करती थी। सब लोग को मैं यही कहना चाहूँगी कि बड़ों की सेवा बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और बड़ों को कभी बोझ मत समझिए, बड़ों की सेवा कीजिए। ससुर में और पिता में कोई अंतर नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। नेशनल न्यूज उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ ताऊजी, उनके ताऊजी साहब हैं। क्या नाम है सर आपको, बताइए? मेरा नाम बिमल यादव है। रिश्ते में मेरे ताऊजी थे, मैं उनका भतीजा हूँ। उन्होंने जो समाज के लिए दिया है, तो शायद हम उसको नहीं भुला सकते। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि समाज में ऐसे लोग पैदा हों जैसे सम्माननीय प्रोफेसर साहब थे, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ दिया, सब कुछ अपना त्याग और तप तपस्या के द्वारा उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई, जो कि आज इस भारतवर्ष में ही एक अद्वितीय स्थान प्राप्त कर चुकी है। धन्यवाद। इस समय मेरे साथ प्रोफेसर राजपाल यादव जी की बेटी सरता यादव जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहती होती। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने मुझे माँ का प्यार और पिता का प्यार दोनों ही दिए, और छोटों का प्यार सिखाया, बड़ों की इज्जत करना सिखाई, मुझे शिक्षा दी उन्होंने।
उनकी आत्मा को शांति मिले, तो इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा।